अपने सभी मित्रों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आज। ये देख रहे होंगे, आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपको इस प्राकृतिक छटा से और सीधे एक ऐसे गर्त के दर्शन करा रहा हूं जो हमारे जीवन को नरक बना रही है। अब देखिए आप, ये तो गांव की एक छोटी सी दुकान है, छोटा सा गांव, छोटी सी दुकान। प्लास्टिक देखिए आप, तो जो बनारसी पान, ये देखिए रे क्या है, ये डॉक लिपगार से लेके, सेल से लेके, बिस्कुट से लेके, ये आप देखते रहिए आप कि प्लास्टिक, चलो ये प्लास्टिक तो उतना हानिकारक नहीं क्योंकि रिसाइकिल हो जाता है और इसको कबाड़ी भी ले जाते हैं, लेकिन मैं इस प्लास्टिक की बात कर रहा हूँ जिसको ना तो कबाड़ी ले जाते हैं और जो पूरे क्षेत्र में बेकदरी से फैला हुआ है। ये देखिए, ना तो इसको कबाड़ी ले जाएगा इन पन्नों को, और न ये, या तो इनको कोई जो सेंसियर लोग होते हैं वो जला देते हैं, एकमात्र यही कारण है, नहीं तो ये पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये देखिए आप, प्लास्टिक, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां प्लास्टिक नहीं है, और कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो प्लास्टिकों में नहीं आ रही है, टूथब्रश से लेके, यार ये देख लीजिए, पूरी दुकान का दर्शन कर लीजिए आप, ये बर्मसिली से लेके, रस से लेके, वॉशिंग पाउडर से लेके, एक्सेल से लेके, ये देखिए आप टूथपेस्ट, हाँ ये रियल वाला जो है इसका ढक्कन ही ढक्कन है प्लास्टिक का, ये देखिए आप पूरा प्लास्टिक प्लास्टिक का गेम है, ये देखिए आप। अभी प्लास्टिक हमको कहां तक ले जाएगा इस विषय में तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। जैसे ये है, ये रिसाइकिल बोतलें हैं, फिर भी ये भी बेतरतीब से पड़ी रहती हैं, पर ये काम आ जाती हैं, इनको कबाड़ी भी ले जाते हैं। पर जैसे ये है, ये क्षेत्र में ऐसे ही पड़े रहते हैं, ये है, ये बॉन बॉन देख लीजिए आप, है ना, ये जितने हैं देखिए, छोटी सी दुकान है ये गाँव की, ये 20-30 परिवारों का गाँव की दुकान है, उसमें ये हालत है, तो आप लगा लीजिए शहरों की स्थिति क्या होगी जहां लाखों की संख्या में लोग हैं, लाखों की संख्या में दुकानें हैं। ये देख लीजिए, ये सब प्लास्टिक, इसके दुष्परिणाम आने वाले भविष्य में, ऐसे आने लग गए हैं लेकिन अब आने वाले भविष्य में और खतरनाक होने वाला है। ये देखिए, ये जो ये शैंपू के पौधे, पहले ही बोतलें आती थी तो चलो कबाड़ी उबाड़ी ले जाते थे उनको, यदि साइकिल वाली बोतलें तो फिर भी ठीक है, ये इनको ले जाते हैं, पर जो ये है सब बहुत ही हानिकारक। यहां तक कि शीशे भी अब प्लास्टिकों में ही आ रहे हैं, पहले कनस्तरों में आते थे तेल डब्बे, तेल के अभी डब्बों के रूप में आने लगे हैं। मिल्क मेड का अभी ठीक है, वो टिन में ही आता है और बड़ा अच्छा प्रोडक्ट भी है, ये टिन में ही आता है, ये गत्ते में आते हैं, घी भी फिर भी उतना, ये बेसन से लेके शायद ही कोई प्रोडक्ट है, ये देख लीजिए आप। फिलहाल आज इतना ही है, कृपया इसको मनन करें। और उसके अलावा एक और हानिकारक चीज और है कि जो ऑप्शन, ऑप्शन तो बड़े बड़े रिसर्च, बड़े बड़े पंडित पड़े हुए हैं, जो हमारा काम तो बताना है कि यह हानिकारक है। अब ये देखिए, उसके अलावा ये लोग क्या है कि ये पॉलीथीन की थैलियों को भी यूज करते हैं, और लोकल लालाओं से, मैं अपने दो लाला हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि करीब करीब कोशिश ये करें कि उन्हें बोलें कि अपना सामान, ये देखिए आप प्लास्टिक की प्लास्टिक सब जगह है, कृपया प्लास्टिक से बचें और घर से अपने थैले लाएं सामान, दाल आटा चावल के लिए। ये फिर भी ठीक है कि ये इस टाइप के बिस्कुट हैं, डब्बों में आते हैं तो ये रिसाइकिल हो जाते हैं या ये फिर रीयूज हो जाते हैं, तो ये फिर भी ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, मुझे उम्मीद है कि आप इस विषय पर गौर करेंगे। नमस्कार।